फर्स्ट स्टैंड बाई सप्लाई है वो चेक करेंगे। सो ये जो रेक्टिफायर डायोड है इस पर आप A5 वोल्ट चेक कर पाएंगे जो कि यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद फिर 5 वोल्ट मदरबोर्ड में जाके वेरियस वोल्टेजेस बनेंगे और प्रोसेसर काम करने के बाद जब हम पावर ऑन कमांड देते हैं तो पावर ऑन सिग्नल यहाँ पर आता है। पावर सप्लाई बोर्ड है इसमें, सैमसंग में आप मदरबोर्ड का कनेक्टर निकाल देते हैं तो पावर ऑन सिग्नल अपने आप जनरेट हो जाता है, जिससे कि आपको 390 वोल्ट जो वोल्टेज है जो कि यहाँ पर PFC का आफ्टर स्टैंड बाई होता है, सो यहाँ आप देखेंगे 390 वोल्ट बन चुके हैं। अब 390 बनने के बाद ये SMPS जो है और ये रेजोनेंट सर्किट है, इससे जो वोल्टेज बनेंगे 12 वोल्ट 13 वोल्ट और LED ड्राइव के लिए डायोड यहाँ दे रखा है और वो डायोड से और ये कॉइल के थ्रू जो ऑन ऑफ बनकर जो यहाँ पर LED आउटपुट पॉजिटिव नेगेटिव आता है वो सभी सर्किट को ड्राइव करने के लिए ये SMPS है। सो हम चेक कर लेते हैं क्या आउटपुट्स बन रहे हैं इसके अलावा, जो स्टैंड बाई के अलावा। सो यहाँ हम चेक करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ 0 वोल्ट है। सो अभी ये तो क्लियर हो गया है कि ये 0 वोल्ट है, इसका मतलब ये है कि ये जो SMPS है ये काम नहीं कर रहा है। उसका कारण देख लेते हैं कि एग्जैक्टली क्या कारण है। सो इससे पहले मैंने ये सभी PF चेक कर लिए हैं, 22K का PF है इधर और ये वाला जो है 10K का PF है और ये तीनों फिल्टर मैं चेक कर चुका हूँ, ये सभी ओके हैं। 10 माइक्रोफेरेड के 3 कैपेसिटर्स हैं, ये सभी ओके हैं। 0.47 ओम्स का रजिस्टर है, ये भी ओके है। सभी सर्किट ओके है लेकिन ये काम नहीं कर रहा है। इससे रिलेटेड सभी सप्लाई चेक कर लेते हैं पहले हम। अब जो सर्किट हम चेक कर रहे हैं वो रेजोनेंट सर्किट है, तो इसकी मेन सप्लाई हम चेक करेंगे पहले और हम चेक कर लेते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो दो सप्लाई होती है, दोनों मॉस्फेट्स होते हैं, दोनों मॉस्फेट्स अपर मॉस्फेट एंड लोअर मॉस्फेट दोनों को सप्लाई दी जाती है। यहाँ पर मुझे इस पिन पर वोल्टेज मिलना चाहिए। सो यहाँ आप देखेंगे कि 9.58 वोल्ट DC वोल्टेज मिल रहा है मुझे। और दूसरा जो मुझे चेक करना है वो ये वाली पिन पे है। सो यहाँ मैं चेक कर सकता हूँ 9 वोल्ट मिल रहे हैं और ये फ्लिकर नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स ये ओके है लेकिन फिर भी ड्राइव आउट नहीं बन रहा है। ये हाफ ब्रिज रेजोनेंट कन्वर्टर जो है उसका नंबर है FSFR7500। सो इसको हमें अब रिप्लेस करना पड़ेगा। दो रास्ते हैं हमारे पास, या तो हम ये पूरा जो IC है हाफ ब्रिज रेजोनेंट कन्वर्टर इसको रिप्लेस कर दें, या दूसरा तरीका ये है कि इस IC को निकालकर इसकी जगह हम डबल मॉस्फेट वाला जो हमें कन्वर्टर मिलता है जो कि रेजोनेंट कन्वर्टर्स अवेलेबल हैं मार्केट में उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो लंबा नहीं चलेगा। आपको इस ओरिजिनल सर्किट को ही ठीक करना चाहिए। हम STR को निकाल लेते हैं सर्किट बोर्ड में से। STR है जिसे हमें रिप्लेस करना है, जिसका नंबर है FSFR1700XC। हमने ये जो रेजोनेंट कन्वर्टर है उसे हाफ ब्रिज रेजोनेंट कन्वर्टर उसको रिप्लेस कर दिया है, जिसका नंबर है FSFR1700। अब हम चेक कर लेते हैं कि आउटपुट में वोल्टेजेस बन रहे हैं या नहीं। जो स्टैंड बाई वोल्टेज है वो तो आ ही रहा होगा, ठीक है।
लेकिन जो 5 वोल्ट हमारी डी सप्लाई है वो यहाँ पर बन रही है और ये 13 वोल्ट 12.7 वोल्ट यहाँ बनने लगी। सो ये दो इम्पोर्टेंट सप्लाई थी जिसकी वजह से हमारा काम रुका हुआ था। सो अब आप देख सकते हैं कि सभी सर्किट अब अपने हिसाब से काम कर रही है। अब हम पावर बोर्ड को मदरबोर्ड के साथ भी कनेक्ट करके चेक कर लेते हैं। चुका है, हम सभी वोल्टेजेस चेक कर लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं 12.7 13 वोल्ट जो है ये कंप्लीट है। इसके बाद जितने भी बक रेगुलेटर्स हैं जो कि 5 वोल्ट स्टैंडबाई सर्किट से बाद में बनते हैं, हम वो सारे वोल्टेजेस चेक कर लेते हैं। 5 वोल्ट के बाद 3.3 वोल्ट जो कि हम यहाँ पर मेज़र कर सकते हैं और 1.2 वोल्ट यहाँ पर, और उसके बाद 12 वोल्ट टिकॉन के जो यहाँ प्रेजेंट होंगे, और बाकी के सभी सप्लाई जो कि 2.5 वोल्ट आप यहाँ देख सकते हैं और 3.3 वोल्ट 5 वोल्ट से 3.3 बन रहे हैं, ये बी सप्लाई है। 5 वोल्ट 3.3 वोल्ट बी सप्लाई, यहाँ पर 5 वोल्ट जो कि ये है यूएसबी सॉकेट में सप्लाई, उसकी जो 5 वोल्ट सप्लाई यहाँ पर मिल जाएगी, और 1.5 वोल्ट जो कि हम यहाँ मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, सो सभी सप्लाई बन चुकी है। अभी आप यहाँ पर दिखा दीजिए रास्टर, सो पिक्चर भी कंप्लीट।